में कोविड की कोविड महामारी से जिस तरह से पूरा देश ही जूझ रहा है, उसी बीच कांग्रेस भी किस तरह से काम कर रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें या फिर मुंबई की, तो उसी क्रम में आज फिर एक बार जिस तरह से कांदिवली ईस्ट में यहाँ पर कोविड टेस्ट फ्री मुफ्त में यहाँ पर रखा गया, लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी बुदेलिया जी, कि किस तरह से लगता है जितना ज़्यादा कोविड टेस्ट होगा या कोविड पर कंट्रोल करने के लिए उतना ज़्यादा अच्छा? आज यहाँ पर हमारे कांदिवली विधानसभा में उत्तर अपना मुंबई महिला की अध्यक्ष अजंता यादव जी के नेतृत्व में और मेरे मित्र राजपद यादव, अनंता यादव जी, और यहाँ पे मैं आया सुबह से और देखा अभी तक यहाँ पे कोविड टेस्ट का लगभग, मैंने आंकड़ा भी पूछा, लगभग 22 से 25 हो गए हैं और लगभग ये प्रोग्राम 2 बजे तक का है। तो मेरे ख्याल से अंदाज से यहाँ पे आज 100 के ऊपर तो हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पूरे उत्तर मुंबई में विधानसभा में हम लोग ने अभी तक ब्लड डोनर कैंप भी रखे थे, और ब्लड डोनर कैंप का हमारा 2000 प्लस बोतल एक्चुअल हमारे हो गए। दूसरे लोग बोलते हैं कितना क्या होगा, हमारा 2000 प्लस सर्टिफिकेट साथ में 2000 पड़ेगा। दूसरे हम लोग ने हमारी सब महिला बहनों मिल के साड़ी बाटप, ये बाटप, अपना दानिया बाटप, सब प्रोग्राम उत्तर मुंबई में जब भी से महामारी चल रही है सेकंड फेज में सब कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। अजंता जी, किस तरह से आपने सोचा कि कोविड टेस्ट जो है मुफ्त कोविड टेस्ट यहाँ पर करवाना चाहिए यहाँ की जनता के लिए, और यहाँ के अगर हम देखा जाए लोगों का क्राउड, और अभी तक क्या लगता है कितने लोगों का कोविड टेस्ट हो पाया था? वैसे तो पूरे मुंबई में हमारे महाविकास आघाड़ी सरकार और हमारी जो मंत्री हैं सभी मिलके, हमारे अध्यक्ष भाई जगताप जी आदरणीय और असलम शेख जी, वर्षाताई गायकवाड़ जी और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण ने काफ़ी इनिशिएटिव लेके, आपने देखा फर्स्ट वेव में ही सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही कोविड टेस्ट की प्रक्रिया हो रही थी, करीब करीब 50-60 हज़ार की प्रक्रिया, अभी सेकेंड वेव में भी 50-60 हज़ार पर डे का उनका एक आंकड़ा बन चुका था। और उस तरीके से आपने देखा कि सेकेंड वेव में भी काफ़ी अच्छे से सरकार ने सभी को मैनेज किया। लेकिन आज हमने यहाँ महिला कांग्रेस की तरफ से, मुंबई महिला कांग्रेस की तरफ से मेरी अध्यक्षा जो इस विभाग की अध्यक्षा है ममता तिवारी जी हैं, और मेरी वरिष्ठ नेता जी हैं किरण सिंह जी हैं, और ये सारे हमारे सिंह स्टेट के रहवासी हैं, और हमारे उत्तर मुंबई के अध्यक्ष कालू बुदेला जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राजपति यादव जी, हमारे यहाँ के स्थानिक रहवासी और वरिष्ठ मुंबई कांग्रेस के सचिव हमारे महासचिव आनंद यादव जी, और हमारी पूरी टीम ने आज यहाँ पे एक सोच रखी थी कि कहीं कहीं ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग बाहर आते नहीं और टेस्ट करवाने की उनकी इच्छा नहीं होती है, इनिशिएटिव नहीं होता, तो हमने यहाँ पे आके लोगों को मोटिवेट किया, खास के आप देख रहे हो महिलाओं को हमने काफ़ी मोटिवेट किया, और महिला कांग्रेस की तरफ से हमने आज ये इनिशिएटिव रखा कि अगर घर की महिला बाहर आती है और टेस्ट कराती है तो घर के सारे लोग उसके साथ मिलके बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग यहाँ पे महिला कांग्रेस की तरफ से हमने कोविड टेस्ट फ्री टेस्ट किया है, जिसमें रैपिड टेस्ट एंटीजन और RT-PCR, ये दोनों टेस्ट यहाँ पे फ्री होगा। जिसका रैपिड टेस्ट नेगेटिव होता है उसका RT-PCR होता ही है, और उसके बाद उनकी रिपोर्ट कल 24 घंटे के बाद रिपोर्ट भी हम उनको उनके हाथ में पहुंचा देंगे। आपने क्या सोचा था कि आपके यहाँ पर कोविड टेस्ट होना चाहिए, और इस बात को जब आप अजंता जिनके पास अपनी बातों को रखी तो उनका क्या रिएक्शन था, और किस तरह से कितनी तेजी के साथ यहाँ पे आज मुफ्त कोविड टेस्ट का आयोजन किया गया? एक्चुअली ऐसा है, जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं वो थोड़े से जागरूक हैं, वो लोग निकल कर टेस्ट कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो स्लम में लोग हैं वो थोड़े से अभी भी डर, उनके अंदर डर है, वो बाहर निकल कर टेस्ट नहीं करा रहे। तो हमने घर घर जाके लोगों को इस विषय में जागरूक किया, मैंने अपनी मैडम को, अपने अध्यक्ष जी को, सबको बोल कर, ये जब प्रोग्राम रखा गया है तो बहुत सारी महिलाएं निकल के स्लम की आ रही हैं और टेस्ट करा रही हैं। तो यहाँ पर राजपति यादव जी भी मौजूद हैं, तो राजपति जी आपको क्या लगता है कोविड टेस्ट कराना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लोग कितना जागरूक है, और आश्रम की बात करें आश्रम में किस तरह से परमिशन दिया इस अच्छे कार्य के लिए कि यहाँ पर आप यहाँ पर ये आयोजन कर पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आश्रम को धन्यवाद दूंगा, उनके जो हम यहाँ के मेन बाबा जी, उनको सत नमन प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने, हमने कहा कि ये कोविड टेस्ट कराना है और कोविड टेस्ट बहुत ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि अच्छे काम के लिए हम हमेशा साथ में खड़े रहेंगे और जो मदद लगी वो करेंगे, और जो अरेंजमेंट है आज यहाँ पे कुर्सी टेबल जगह वगैरह सब आश्रम की तरफ से हुआ, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आश्रम का पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आश्रम है, और उनका हमेशा एक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी जनता के हित में काम रहा हो, चाहे यहाँ पे हमने एक बार
मेगा मेडिकल कैंप लिए, चश्मा शिविर लिए, बहुत सारे कार्यक्रम किए। तो जो भी जरूरत पड़ती है जनता के हित में, उसमें आश्रम कहीं पीछे नहीं रहता है, एकदम आगे जाके अग्रणी भूमिका में रहता है। दूसरी बात कि कोविड टेस्ट की परिस्थिति है कि बिल्डिंगों में इस बार कोविड ज़्यादा है, स्लम में कम है। गए टाइम फर्स्ट वेव में स्लम में ज़्यादा था, बिल्डिंगों में कम था। लोगों को एक जागरूक करना, भैया आप बिल्डिंगों में है तो आप स्लम वाले या बेफिक्र मत रहिए, कहीं भी किसी से भी कोविड हो सकता है, उसके लिए आप अपना कोविड टेस्ट कराइए। और जो टेस्ट है अगर प्राइवेट कराने जाए तो आज 1000-1200 रुपये का टेस्ट है, और ये टेस्ट जो यहाँ पे हो रहा है पूरा टेस्ट फ्री में होगा। अगर निगेटिव आया तो उनका दूसरा टेस्ट करके देंगे, 24 घंटे के अंदर उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है स्लम के अंदर, सिंह स्टेट रोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, धौलेवाड़ी, आज़ादवाड़ी, यहाँ के लोग आ रहे हैं और अपना देखिए सामने खुद अपनी मर्जी से आ रहे और लोग टेस्ट करा रहे हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा काम हो रहा है। तो लोगों को किस तरह से यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ पर मुफ्त कोविड टेस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आयोजन हुआ है तो इसका लाभ हर कोई ले, इस बात पर कितना ध्यान है? नहीं, इसका मुंबई महिला कांग्रेस, उनकी वार्ड अध्यक्ष ममता तिवारी जी ने अपने लेटर हेड पर जितनी सोसाइटी उनको इन्फॉर्म किया, लोगों को जाके बताया। पिछले 2 दिन से इन्होंने लगातार काम कर रही, उसके लिए उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि एक अच्छा काम की, एक अच्छा शुरुआत की है। और अब जिस तरह से आपने अपने वार्ड में ब्लड डोनेशन कैंप रखा, उसके बाद मुफ्त आप जिस तरह से यहाँ पर आज कोविड टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन की काफ़ी कमी देखी जा रही है और हर किसी को वैक्सीन लगवानी है, तो इस क्रम में किस तरह से आप यहाँ पर काम करेंगे? अब मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि राजनीति हो रही है। वैक्सीन का काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की एक नैतिक जवाबदारी है कि इस देश में वैक्सीन कैसे पूरा करना है, उनका कर्तव्य था। जब दूसरी वेव थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल में व्यस्त थे, गृह मंत्री जी वहाँ पे व्यस्त थे, दीदी ओ दीदी कर रहे थे, जो एक शिष्टाचार था प्रधानमंत्री जी उसको भूल गए थे, उनको वैक्सीन का कोई ख्याल नहीं था। और जो वैक्सीन उन्होंने बहुत सोचा किया, बहुत दिखाया कि हम विदेशों में भेज दिए, यहाँ भेज दिए, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, पहले अपने बेटे को खिलाइए, बाद में पड़ोसी को खिलाइए। अपना बेटा भूखा रखे पड़ोस में बोलते भेज दिए, लेकिन उसमें भी 86% जो वैक्सीन गई है, आप रवीश कुमार का प्राइम टीवी देख सकते हैं, 86% वैक्सीन उस कंपनी को आउट ऑफ इंडिया भेजना था, उसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है, मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। आज भी वो दो आँख कर रहे हैं, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन ज़्यादा है, गुजरात का पॉपुलेशन कम है, गुजरात में सबसे ज़्यादा वैक्सीन गई है, महाराष्ट्र को कम वैक्सीन दिया गया। अभी जो तूफान आया उन्होंने गुजरात में पूरा टाइम दिया, महाराष्ट्र में उनको आने को फुर्सत नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी से तो हम कोई अपेक्षा ही नहीं कर सकते, और उन्होंने हमें राम भरोसे छोड़ दिया था, और उसमें हम कर रहे अपनी मेहनत से इस देश में, विकास आघाड़ी की सरकार है उसमें हम पूरा कर रहे और एक अच्छा सा प्रतिसाद मिल रहा है और वैक्सीन का काम शुरू है। आप क्या कहना चाहेंगे, कोरोना महामारी से पूरा देश जिस तरह से जूझ रहा है, इस बीच अगर कांग्रेस के द्वारा जो फ्री मेडिकल फ्री कोविड टेस्ट का यहाँ पे आयोजन किया गया, किस तरह आप देखते हैं? कोई भी जनहित कार्य जो है वो जनता के लिए जो होता है उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं, वो सबसे अच्छा काम है, उसको सुचारू रूप से सबके योगदान से, पूरे समाज के योगदान से चलना चाहिए, बस इतना।